नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल रिकैप में। तो आप आज इस वीडियो में देखेंगे कि वाईफाई डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड क्या होता है एंड ये कैसे वर्क करता है और इसको यूज़ करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास वाईफाई वाला डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड है तो आपको ज़्यादा ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके कार्ड से बिना पिन से ही 2000 रुपये निकाले जा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसे बचें। आजकल डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का यूज़ सभी करते हैं और इससे कहीं भी पेमेंट की जा सकती है और कभी भी पैसे निकाले जा सकते हैं। तो इधर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इसको सुरक्षित रखा कैसे जाए, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम जैसे कई केस देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपके पास वाईफाई वाला डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड है तो आपको ज़्यादा ही सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इससे बिना पिन के ही आपके बैंक अकाउंट से 2000 रुपये जा सकते हैं और आपके तोते भी उड़ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इससे कैसे बचा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखें कि ये काम कैसे करता है। वाईफाई वाली इस डेबिट क्रेडिट कार्ड को कॉन्टैक्टलेस कार्ड भी कहते हैं। इस कार्ड को भले ही वाईफाई क्रेडिट कार्ड कहा जाता है, लेकिन ये वाईफाई के जरिए काम नहीं करते, ये बस नाम के ही वाईफाई कार्ड होते हैं। दरअसल ऐसे कार्ड NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन और RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करते हैं। वाईफाई कार्ड में एक चिप होता है जो कि एक पतले मेटल एंटीना से जुड़ा रहता है, मतलब इसी एंटीना से कार्ड को POS पॉइंट ऑफ स्केल मशीन को सिग्नल मिलता है और इसी एंटीना को POS मशीन से रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड के जरिए इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ऐसे में सिर्फ POS मशीन के कॉन्टैक्ट में आते ही इस कार्ड के जरिए आपके खाते से बिना किसी पिन के अधिकतम 2000 रुपये निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे होती है ठगी। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि वाईफाई वाले डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड की रेंज कितनी होती है। इसकी रेंज 4 सेंटीमीटर तक होती है। अगर आपने ये कार्ड अपनी जेब में डाल रखा है तो क्रिमिनल आपकी जेब पे POS मशीन टच करेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके तोते कब उड़ जाएंगे एंड आपको पता लगेगा कि 2000 रुपये आपके कट हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि इससे कैसे बचा जाए और इसके तरीके क्या क्या हैं बचने के। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आपके पास वाईफाई चिप वाला डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड है और इसे कैसे सेफ रख सकते हैं ऐसे क्रिमिनलों से, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि किसी होटल या दुकान पे पेमेंट करते समय कार्ड दुकानदार के हाथ में नहीं देना चाहिए। उससे कहो, भैया तुम अपनी मशीन पकड़ो, हम अपना कार्ड पकड़ेंगे। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, कार्ड से स्वैप अपने सामने ही करवाएं और ट्रांजैक्शन के बाद आने वाले मैसेज को उसी दौरान चेक करें। दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारे पास, अगर आपके पास ऐसा कार्ड है तो उसे एल्युमिनियम फॉइल पेपर में लपेट के रखें, उसे पूरा अनारकली की तरह चिनवा दो। एंड दोस्तों, चौथा है, अगर आपको अपने कार्ड को अनारकली की तरह नहीं चिनवाना है तो आप मेटल वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पांचवा पॉइंट है हमारे पास, मार्केट में RFID ब्लॉकिंग वाले वॉलेट भी मिलते हैं कार्ड को कैरी करने के लिए, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि वाईफाई डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड क्या है और ये कैसे काम करता है और इसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं क्रिमिनलों से और अपने तोते उड़वाने से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया दोस्तों तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे ही और टेक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टाटा, टेक केयर।